मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं और मेरी बेटियों को पापा तुम पालना और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, मेरी मौत के जिम्मेवार करमवीर जीता और कोमल है, जिससे वह मेरी पत्नी उनकी मानती है। ससुरालियों द्वारा 2.5 लाख रुपए हड़पने और दहेज के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने से आहत बबेल गांव के युवक परविंदर ने खेत में जहर खाकर जान दे दी। जहर निगलने से पहले परविंदर 31 सेकंड फेसबुक पर ऑनलाइन भी रहा और वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर ताऊ के बेटे रविंदर को भी भेजा। वीडियो में मृतक कह रहे हैं कि मेरे पिता माता बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बेटियों को पापा तुम पालना, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार ससुर करमवीर, साला जितेंद्र और पत्नी कोमल है। मेरी पत्नी ससुरालियों की बात मानती है। मृतक युवक 3 बहनों का इकलौता भाई था। घटना गांव बबेल की है। बबेल गांव के महावीर ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका बेटा परविंदर खेती करता था। उसकी शादी बेहोली गांव के करमवीर की बेटी कोमल के साथ हुई थी। उसके बेटे के साथ उसके ससुराल वाले और उसकी पत्नी कोमल गाली गलौज करती थी। वर्ष 2019 में ससुर वसाले ने बेटे को धमकाया कि वे कोमल को घर ले जाएंगे, उन्हें रुपये चाहिए। इससे बेटा डर गया और धान की फसल के 1.5 लाख और गेहूं की फसल के 1 लाख रुपए आरोपितों को दे दिए। इसके बाद धमकी दी गई कि किसी को रुपए देने के बारे में बताया तो जान से मार देंगे। अब ससुराल वाले धमकी देकर गए कि पूरे परिवार को दहेज के झूठे केस में फंसवा देंगे। इसके बाद से बेटा परेशान रहने लगा। बेटे ने वीडियो बनाई और आरोपितों के डर से जहरीला पदार्थ खा लिया। बेटे को पानीपत के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के पिता महावीर की शिकायत पर करमवीर, जितेंद्र और कोमल के खिलाफ धारा 306 के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद आरोपितों को काबू कर लिया जाएगा। डीएसपी ने कहा है कि मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 2 दिन पहले की बबेल गांव की घटना है, हमारा 13 थाना लगता है, ये ऐसी घटना हुई है कि लाइव उसने और जहरीला पदार्थ खा लिया, उसकी मौत हो गई। तो एफ आई आर दर्ज की हमने सेक्टर 13 के थाने में और उसमें मरने वाले ने अपने साले और अपने ससुर के ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं। एफ आई आर दर्ज करें, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, गिरफ्तार करेंगे।